हेलो न्यू क्रिएटर, क्या आपका भी मन करता है कि आप भी यूट्यूब चैनल एक खोल ले, उससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें और आप भी सिर्फ वीडियो बना करके ही यूट्यूब चैनल से आप लोग पैसा बना चाहते हैं? तो आप लोग को यूट्यूब चैनल बनाना नहीं आता है प्रोफेशनल तरीका से, जिससे आपका यूट्यूब चैनल जल्द ही ग्रो हो जाए, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ है। जैसे मैं अब यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरा चैनल जो मैंने बनाया था वो कैसे जस्ट नाउ ग्रो होते गया। मैं अभी यहाँ से अभी मैं कंटेंट पे जाता हूँ, एनालिटिक्स पे जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे व्यूज़ भी देख सकते हैं, 12,000 व्यूज़ लास्ट 28 दिन में आ रहा है मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आ रहा है ये भी दिखाता हूँ। वॉच टाइम भी देखिए कितना घंटा का मेरा वॉच टाइम, 76 घंटा का वॉच टाइम आ रहा है, 4 घंटा का वो 4,000 वाउस का लिमिट रहता है, जिससे आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज होता है, जिससे आपको पैसा मिलता है यूट्यूब चैनल से। तो कैसे होता है ये सब मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, चैनल बना के दूंगा, कैसे नया चैनल बनाएंगे, आपका भी यूट्यूब चैनल ग्रो होगा और जल्द ही 1,000 चैनल पे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं सब्सक्राइबर मेरा लास्ट 28 दिन में 140 आ रहा है, जिससे मैं 2 या 3 दिन ही काम किया हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे कंटेंट पर क्लिक करता हूँ। कंटेंट पर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना भी व्यूज आ रहा है, 835 व्यूज आ रहा है लास्ट 28 दिन में। अगर यहाँ स्क्रॉल कर इंप्रेशन देख सकते हैं, लास्ट 28 दिन का इंप्रेशन देखिए, अगर आपके यूट्यूब चैनल बनाएंगे उस पर यूट्यूब पे इंप्रेशन जाएगा तो ही मालूम पड़ेगा। 90 दिन मैं क्लिक करता हूँ, अभी 90 दिन में 1,17,692 व्यूज़ सॉरी इम्प्रेशंस मेरे यूट्यूब चैनल पे आया है। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 अगस्त को आया हुआ है सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन। तो ये सब आप लोग भी कैसे कर देंगे, आपका भी यूट्यूब चैनल पे कैसे ग्रो होगा, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल जैसे ग्रो होता है। तो भाई समझो कि पहले यूट्यूब चैनल बनाते समय गलती मत कीजिएगा, जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ इस तरीके से आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल ज़रूर ग्रोथ करेगा और 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके दे देगा 2 या 3 वीडियो में ही। अगर नहीं होता तो मैं एंड में जो बताने वाला हूँ सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे कैसे, वो ट्रिक आप लोग फॉलो करेंगे तो 24 घंटा के अंदर अंदर आपके 2K 4K ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा फ्री में, और आपको फ्री होगा वो घटेगा भी नहीं, और आपका जो यूट्यूब चैनल जल्दी मोनेटाइज भी हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा जो यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा, जो मैं इस वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूँ। तो मैं 3 स्टेप में आप सबको बताने वाला हूँ, लास्ट स्टेप को आप लोग मिस मत कीजिएगा, उससे आपका यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होने का इम्प्रेशन बढ़ेगा, आपका यूट्यूब चैनल फर्स्ट में ग्रो होगा, यूट्यूब चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो है वो भी आपका वायरल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना ये यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, जैसे यहाँ पे मैं यूट्यूब ऐप को अपना ओपन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ओपन हो चुका है तो अपना इंटरनेट भी ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद जो यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपका लोगो दिखेगा, पहले ओल्ड वाला यूट्यूब चैनल आपको दिखेगा, कभी न कभी बन जाता है ऐसे ही कमेंट्स करने में किसी का वीडियोस में, तो उस पर मत बनाइएगा कभी यूट्यूब चैनल, उस पर आपका यूट्यूब चैनल कभी भी ग्रोथ नहीं होगा, तो उस पर मत बनाइएगा। उसके बाद यहाँ से आपको मैं न्यू स्टेप बताता हूँ, इससे आप लोग बनाइएगा, यहाँ से आप लोग का यूट्यूब चैनल फर्स्ट में ग्रो होगा और इतना अर्निंग होगा, इतना व्यूज आएगा कोई भी नहीं बना पाएगा। चलिए मैं यहाँ पे एक बार सर्च मारता हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग, ये सबका जो वायरल होता है, ये सब जो वायरल होता है ना जल्दी जल्दी, ये कैसे होता है ये सबका देख सकते हैं, 1 मंथ में ही 34 के व्यूज, ये सब जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट वीडियो इसका वायरल हो गया, वही ट्रिक ये लोग बताया है, वही ट्रिक मैंने अभी इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा, जिससे आपका फर्स्ट वीडियो वायरल हो जाएगा। तो मैं देरी ज़्यादा नहीं करूँगा, वही बोलता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको भी मैं इसी तरह से सब दिन आपको वीडियोस देता रहूँगा और आगे बढ़ाता रहूँगा, मेरा आपको हेल्प करने का ही मकसद है और कुछ भी मकसद नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट में डाटा ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से कुछ भी मत कीजिएगा, सिंपल से आपको आना है यहाँ पर जीमेल में, ये जो देख सकते हैं जीमेल, एक ये GMAIL जीमेल ऐप को आप लोग यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल ऐसे तो होगा ऑलरेडी सभी मोबाइल में होता है, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑन कीजिएगा इसको। यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑन होगा, देख सकती है जीमेल अकाउंट, ये जीमेल अकाउंट
मैक्सिमम ये सबका फ़ोन में अवेलेबल होता ही है। तो यहाँ पे एक लोगो है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड अदर अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। ये फर्स्ट वाला स्टेप है, इसको फॉलो कीजिए। उसके बाद थर्ड में जाएंगे, समझे। गूगल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से गूगल पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से सिक्योरिटी की खातिर यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट लेना होगा। फिंगरप्रिंट दे देंगे। उसके बाद सिंपल से यहाँ से थोड़ा सा और प्रोसेसिंग लेगा। कुछ इस तरह सा इंटरफेस आपको आएगा। अगर आपके पहले से है जीमेल तो उसको मत बनाइएगा। यहाँ से क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे फॉर माई सेल्फ क्लिक कीजिएगा। यहाँ से फर्स्ट नेम डालिएगा, आपका जो भी नेम होगा यहाँ से डालिएगा। जो अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसी यहाँ पे गड़बड़ नहीं करेंगे। उसके बाद आपके यूट्यूब चैनल मस्त बनेगा। यहाँ पे मैं कोई सा भी नाम डालता हूँ, जैसे मेरा नाम ही अपना है। तो मैं यहाँ पे सॉरी ये क्या लिखा जा रहा है, यहाँ से मैं अपना नाम डाल देता हूँ। मैं यहाँ से अपना नाम डाल दिया। उसके बाद सैंपल सा आपको यहाँ पर डे सर्च करना, मतलब कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब सर्च करके यहाँ पे करना होगा। तो मैं यहाँ से कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे उतना मैटर नहीं करता, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मेल या फीमेल हो, जो भी हो यहाँ से डाल दीजिएगा। वहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट का बटन नीचे में आएगा। उसके बाद अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जीमेल आईडी आपका क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्रिएट योर वेन जीमेल एड्रेस, मतलब यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे अभी उतना ज़रूरी नहीं है, मैं एक न्यू जीमेल बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन फिर से आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से एक क्या बोला जा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे कोई सा भी डाल देता हूँ। कोई यहाँ से ऐसा पासवर्ड बनाओ जिससे कभी भी कोई भी हैक नहीं कर सकते। यहाँ से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये आपका जीमेल आईडी ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए, आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यस आई एम इन यहाँ पे नीचे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे वो उसके बाद ये देख सकते हैं आपका ये जीमेल हो गया है। उसके बाद सिंपल से यहाँ नीचे नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, पॉलिसी एंड टीम्स की है इसलिए यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। आई एग्री नीचे हम क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सिंपल से थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका ये जीमेल आईडी अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप प्रोसेसिंग करेंगे, आप यूट्यूब चैनल कैसे बनाएंगे और जो सेटिंग्स होता है वो सेटिंग्स भी आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपका यूट्यूब चैनल फर्स्ट में ग्रो हो जाएगा। थोड़ा सा भी लेट नहीं लगेगा, आपका यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट वीडियो वायरल होगा और सब्सक्राइबर, और 2 या 3 दिन के अंदर में आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल अभी मोनेटाइज है, कुछ लेटेस्ट में ही मैं यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज किया हूँ। तो ये बन गया आपका जीमेल आईडी। उसके बाद इस ऐप को क्लोज कर देना है। क्लोज नहीं करेंगे तो ये हैंग करेगा, इसलिए यहाँ से क्लोज कर देना है। जैसे कि ये देख सकते हैं अभी क्लोज हो गया। उसके बाद आपको आना है सिंपल सा यूट्यूब ऐप में, यूट्यूब ऐप को फिर से ओपन करना होगा आपको। जैसे यहाँ पे यूट्यूब ऐप को यहाँ से ओपन कर लेंगे, कुछ ये इंटरनेट की वजह से ये प्रॉब्लम होगा, थोड़ा लेट से खुलेगा। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हो गया, खुल गया। उसके बाद सैंपल से ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा डाटा की वजह से, तो थोड़ा वेट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ नहीं, यहाँ से इंटरनेट प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं एक ऐसा, यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम एलईडी आपका और नेम भी दिखेगा। तो यहाँ पे एरो एक निशान दिख रहा है यहाँ कॉर्नर पे, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल पे एक नया जी मेल आई डी आपको शो करेगा। थोड़ा यहाँ देख सकते हैं एक मेरा न्यू जी मेल आई डी बनाए थे समोसर के 690 यहाँ पे @gmail.com पे। ये जो न्यू जी मेल आई डी है जो अभी बनाई थी, ये सब वाला नहीं जाएगा जो ऑलरेडी सेलेक्ट होगा आपके यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ पर नहीं जाने के बाद नीचे हम क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पर नीचे पर क्लिक करेंगे तो आपको उस जी मेल आई डी पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं न्यू जी मेल न्यू अकाउंट, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है।
उसके बाद यहाँ लोगो पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर सिंपल से योर चैनल पे क्लिक कीजिएगा, नीचे में योर चैनल लिखा होगा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये आता है यहाँ पे चैनल क्रिएट करने का प्रोसेसिंग। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप जो मैं बोलूँगा एक बार भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। यूट्यूब चैनल बंद तो जाएगा लेकिन आपका वीडियोस वायरल नहीं जाएगा कोई भी। तो सिंपल सा कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो यहाँ पे नेम का जगह पर यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल का नेम हो गया, ये यहाँ पे पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं, कोई सा भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे रियल नेम हटा करके यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर नाम रखने के बाद उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में एक शेप का ऑप्शन आएगा ऊपर में, यहाँ से शेप पे क्लिक कीजिएगा। शेप पे क्लिक करने के बाद उसके बाद नीचे एक हैंडल का ऑप्शन आता है, ये हैंडल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं तो कमेंट में बताइए, मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगा आपको। तो यहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगा, इसका और भी प्रोसेसिंग है जो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा जिससे आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होगा। उसके बाद सिंपल से यहाँ से लोगो पिक भी लगा सकते हैं, तो चलिए मैं एक लोगो पिक लगा लेता हूँ। जैसे यहाँ से क्लिक कीजिएगा, जैसे लोगो होता है ना वही लोगो यहाँ से लगाना होता है, तो मैं यहाँ से एक लोगो लगा लेता हूँ, कोई सा भी एक लोगो लगाना है। यहाँ से लोगो क्लिक कीजिएगा यहाँ से, और यहाँ पे देख सकते हैं सेव एज़ प्रोफाइल पिक्चर नीचे में लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा ही लोडिंग लेगा और यहाँ पे ये लगना शुरू होगा, लग गया जैसे। उसके बाद सिंपल से यहाँ पर आता है क्रिएट चैनल, क्रिएट चैनल पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपल से ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। तो कॉन्ग्रेट्स दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल बन गया है आपका। इस तरह से आप लोग यूट्यूब चैनल बनाएंगे, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ऐड करना होगा आपको, जैसे अबाउट चैनल, प्लेलिस्ट, यहाँ पे कस्टमाइज करना होगा जैसे बड़े बड़े यूट्यूब करते हैं, जैसे मैं भी अपना यूट्यूब चैनल को किया हुआ हूँ। तो कुछ इस तरह से करने के लिए आपको थोड़ा चलना होगा क्रोम एप्लीकेशन में, मतलब गूगल क्रोम में जाना होगा, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, वहीं से आपका सारा सिस्टम आता है। और सब्सक्राइबर बढ़ाने वाला टिप्स जो आपको भूल के भी मिस नहीं करना है, उसको एंड में ज़रूर ही सुन के जाना है भाई, आपका YouTube चैनल पे तभी सब्सक्राइबर्स गेन होगा। यहाँ से आपका YouTube चैनल बन गया है, और यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है, बट यहाँ से जो करेंगे यहाँ से कोई भी ऑप्शन आपको काम नहीं करेगा। तो यहाँ से कुछ भी मत कीजिएगा, यहाँ से करने से कुछ नहीं होता है, जो मैं यहाँ पर बनाता हूँ वही भी आपको भी करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ से, आपको आना है क्या करना है, यहाँ से क्रोम को ओपन करना है, यहाँ से क्रोम ऐप को ओपन करना है। उसके बाद सैंपल से आपको देखो क्या करना है, जैसे नए हो गो तो यहाँ से आपको एरर पे जाइए, अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, मैं नया वाला करता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। कंटिन्यू अस आपका नाम आएगा, जैसे यहाँ पे समोसर है, यहाँ समोसर आ गया है, तो चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यस आई एम इन क्लिक कीजिएगा, यहाँ नीचे कॉर्नर पर आएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं आपका ये ऐप यहीं से लॉगिन हो जाएगा, जैसे ये गूगल का ही प्रोडक्ट है गूगल क्रोम। उसके बाद सैंपल से यहाँ से सर्च बार में आना है, यहाँ पे सर्च कीजिएगा, यहाँ पे सर्च कीजिएगा youtube.com। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ youtube.com, जैसे youtube.com सर्च करेंगे उसके बाद थोड़ा इंटरफेस ऐसा आएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, सिंपल से यहाँ से डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइट ओपन करने से क्या होगा, आपका जितना भी होगा सभी फ्यूचर आपको दिख जाएगा, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन से ही क्यों ना यूज कर रहे हैं। अगर एंड्रॉयड फ़ोन से यूज करेंगे तो डेस्कटॉप बोर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नहीं तो ऑलरेडी ऐसे ही अवेलेबल रहता है उसमें। तो चलिए कुछ इस तरह से यूट्यूब चैनल आपका खुल जाएगा, होम ही है अभी, ये अभी आगे नहीं बढ़े। सिंपल से यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक DP दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा वही DP दिखेगा जो आपका YouTube चैनल पे था। तो सिंपल से यहाँ पे योर चैनल पे क्लिक कीजिएगा, योर चैनल पे क्लिक करने के बाद थोड़ा इस तरह से आएगा यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके मैं और दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जूम क्यों नहीं हो रहा है, चलो यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे मैंने वीडियो कस्टमाइज चैनल, यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा कॉर्नर में दिखता है, आप डिस्प्ले पे देखेंगे अपना आप दिख जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, वीडियो वायरल कैसे करते हैं, कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। ओके, उसके बाद वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो,
यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आपको वेलकम कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकती हैं थोड़ा थोड़ा सा ये कुछ इस तरह से मिलता है। तो आपको यहीं पे जो सिस्टम करना, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे गौर से सुनिएगा भाई, नहीं तो आपका ये भी एक भी फॉलो नहीं हो सकते। यहाँ पे क्लोज क्लोज करते जाना जो भी परमिशन आपको मांगे। तो पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे यही सब है। यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको जो जो मैं बताता हूँ। ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे जीरो वीडियो, जीरो सब्सक्राइबर, जीरो एनालिटिक्स है। उसके बाद यहाँ पे टिप्स देता है जो इंग्लिश में, मतलब ये आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो इससे भी कुछ समझ में आता है। उसके बाद सैंपल से एक यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे मिलेगा एक कस्टमाइज, कस्टमाइज पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक कर लेंगे आपको देख सकते हैं फ्यूचर ट्रेलर, फ्यूचर वीडियो सब्सक्राइबर्स, ये सब जो है ना अगर वीडियो डालेंगे तो आपको बताऊँगा, वीडियो डालेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। अगर यूट्यूब पर सर्च भी मारेंगे ये क्या होता है, वो ऑलरेडी वीडियो अनलिमिटेड बना रहता है। तो चलिए मैं यहाँ से बिल्डिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नीचे या लाइन थ्री वो होता है ना बेसिक इन्फो और लेआउट, लेआउट पे अभी है। अब यहाँ पे बिल्डिंग पे क्लिक करना है। बिल्डिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये लोगो है आपका, और यहाँ से आप लोग बैनर अपलोड कर सकते हैं। बैनर के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो चलिए मैं वो वीडियो तो अनलिस्टेड कर चुका हूँ। ऐसे ही यूट्यूब पर सर्च मारिए, नहीं होता है तो मैं खुद बताऊँगा, खुद आपने कर लीजिएगा। यहाँ से वीडियो वाटर मार्क, ये वीडियो वाटर मार्क होता है, यहाँ से भी अपलोड कर लेते हैं। एक वाटर मार्क आप अपलोड करेंगे आपके वीडियो में वाटर मार्क आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंटर आता है। उसके बाद यहाँ से आप लोग हैंडल चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि हेलो 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 यूट्यूब क्रिएटर, मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए लिखा हूँ यहाँ से। नहीं तो आप 1000 तक लिख सकते हैं जो भी आपका मन करे। उसके बाद यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आता है, यहाँ पे लिंक सोशल मीडिया का लिंक भी डाल सकते हैं। इससे आपका सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स बढ़ेगा, लाइक्स बढ़ेगा, जो भी चाहिए वहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल से यहाँ से ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल देंगे, और यहाँ पर आपको प्रोफाइल का यहाँ पर अपना लिंक डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आप सेव करेंगे तो आपका डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर करने के बाद सिंपल से यहाँ से पब्लिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे पब्लिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिक्स हो जाएगा और यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आता है ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग्स का आइकन है, सबसे ज़्यादा सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर पूरा जूम कर चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में एक सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, इस सेटिंग्स पे क्लिक करना है। भाई बहनों जो भी देख रहे हो सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे क्लिक करने के बाद। उसके बाद ये डॉलर है, यूएसई डॉलर, इंडियन, जो भी आपका करेंसी पैसा लेना होगा यहाँ पे देखना होगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं करता है। तो चलिए यहाँ से चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन। कंट्री कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप जो भी कंट्री से हैं, जहाँ पे भी आपको वीडियो वायरल करना है, यहाँ से आप लोग उस वीडियोस का कंट्री ले लेना है। तो चलिए यहाँ पे कोई सा भी ले लो आप, जैसे कि आप इंडिया से हो या और कोई कंट्री से हो तो वहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं इंडिया से हूँ, यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पर कीवर्ड, कीवर्ड वो आता है जो आपका वीडियो के रिलेटेड है, आपका चैनल नेम है। चैनल सर्च में लाने के लिए यही एक तरीका होता है जिससे आपका भी यूट्यूब चैनल सर्च में आता है, वीडियो सर्च में आता है। तो यहाँ पे आपका चैनल के रिलेटेड कोई भी कीवर्ड दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखा था, SKM या और भी कुछ लिखा था। उसके बाद यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ स्किप करना है। उसके बाद जो भी यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो बनाएंगे, जैसे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए देख सकते हैं कुछ ऐसा है। उसके बाद यहाँ तीर के निशान पे आप क्लिक करेंगे, ये टैग बन जाएगा, ये यहाँ पे टैग बन जाएगा। तो यहाँ पे सेव करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर में एक सेव का बटन आता है नीचे में, यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। उसके बाद एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, यहाँ पर कुछ मत कीजिएगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से बस कुछ भी मत कीजिएगा। उसके बाद फ्यूचर इनोवेबिलिटी,
इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिससे आपका वीडियो वायरल होता है और आपका यूट्यूब चैनल ग्रोथ भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा मिलेगा। तो उसके बाद देख सकते हैं फर्स्ट वाला इनेबल है, सेकेंड, थर्ड ये इनेबल नहीं है, दो इनेबल आपको करना होगा। तो सेकंड पे क्लिक करते हैं, सेकंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई फोन नंबर, इस पर क्लिक करना होगा आपको। इस वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक करने से क्या होगा, आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो जाएगा, आपका थंबनेल लगाने का ऑप्शन आ जाएगा, 15 मिनट से अधिक लेंथ का वीडियो भी आप लोग अपलोड कर पाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, और अधिक से अधिक पर डे वीडियो अपलोड करवाएँ। काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर कस्टम थंबनेल, लाइव स्ट्रीम ये वगैरह कर सकते हैं। तो वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक कीजिएगा, जैसे वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपका यूट्यूब पे रिडायरेक्ट करेगा, उसके बाद फिर से कॉलम में आएगा। कॉलम में आने के बाद कुछ इस तरह से एक इंटरफेस खुलेगा। तो आपको यहाँ पे जूम आउट मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखे इसलिए। तो यहाँ पर आने के बाद आपका कंट्री और टैक्स मीन द वेरीफाई कोड या कॉल कस्टमर वॉइस मैसेज यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना एक नंबर डाल लीजिएगा, मैं अभी नहीं डालूँगा। यहाँ से आप लोग जाइएगा कोई सा भी, आप अपना नंबर डाल दीजिएगा जिससे आपका वेरीफाई ओटीपी आ सके। यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा कोड, कोड का ऑप्शन, गेट कोड, यहाँ से कोड आएगा, आप अपना कोड डाल दीजिएगा, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज वेरीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर करेंगे आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं फिर से वहाँ पे अपने कॉलम पे जाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं आ गया हूँ। फिर से यहाँ पे आने के बाद अब जो नेक्स्ट वो है उससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसको फॉलो करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। वही है, सेटिंग्स पे फिर से आना है, यहाँ पे सेटिंग्स पे आइएगा, चैनल्स पे आइएगा, फ्यूचर विजिबिलिटी पे आइएगा, उसके बाद नीचे जो थर्ड था इस थर्ड पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीम डेली, अपलोड मोर वीडियो डेली, क्रिएट मोर शॉर्ट डेली, इनेबल लाइव स्ट्रीम स्ट्रीम लिंक बिल वीडियो डिस्क्रिप्शन, इनेबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइज। इतना फ्यूचर आपको मिलेगा अगर आप ये थर्ड वाला ऑप्शन को एक्सेस कर लिए। तो इसको एक्सेस करने से पहले आपको यहाँ पे वेरीफाई फोन नंबर पे बोले थे, यहाँ से फोन नंबर वेरीफाई कीजिएगा, उसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, एक वीडियो का ऑप्शन आएगा। ये सब अगर आप लोग बारीकी से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इस बारे में भी आपको बताऊँगा, करके बताऊँगा कैसे आप लोग करेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिला है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लास्ट वाला ऑप्शन तो आप सुन के जाइएगा, उसके बाद ही आपको कैसे मिलेगा 1000 सब्सक्राइबर आपको मिल जाएगा। इस चैनल बनाने का तरीका आपको कोई नहीं बताया होगा जो मैं आप इस वीडियो में बता रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से काम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से अपलोड डिफॉल्ट इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आएगा, ये परमानेंटली होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अवेजिबिलिटी, टैग, ये सब ऑप्शन को आप लोग छोड़ दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ से छोड़ देना है आपको। यहाँ से छोड़ने के बाद सिंपल से आपको आना है एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग में यहाँ पे ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, यहाँ से वीडियो आपका वायरल होगा और गारंटेड आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। यहाँ से ज़रूर सुने, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, वीडियो पसंद आ रहा है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। कुछ इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं डेली लाता रहता हूँ आप सबके लिए। तो यहाँ पर यूट्यूब लाइसेंस को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना है फर्स्ट वाला को। उसके बाद आता है यहाँ पर वीडियो लैंग्वेज, वीडियो लैंग्वेज, टाइटल, टैग एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ये सबको आप लोग को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे जो भी आपका लैंग्वेज हो, वीडियो बनाने का लैंग्वेज हो, हिंदी, भोजपुरी, जो भी हो, आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी कर लेता हूँ, जैसे मेरा अभी हिंदी है तो हिंदी यहाँ पे कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे हिंदी सर्च करता हूँ। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं हिंदी ले लीजिएगा, और टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन भी जो लैंग्वेज में आप लिखते होंगे वो यहाँ से आपको पेस्ट कर देना होगा। मैं हिंदी में ही लिखता हूँ तो हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद सैंपल से ये ऑल कमेंट्स कैसे रहना है, सो हाउ मेनी व्यूज़
लाइक दिस वीडियो, इसको भी ऐसे ही छोड़ देना है, इसको भी कुछ भी मत करना। उसके बाद आता है सिंपल से मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से कैटेगरी है। अगर कैटेगरी के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। तो मैं शॉर्टकट में आपको बता दूँ कि यहाँ से आपका जो भी वीडियो की कैटेगरी हो जिसमें आप डालना चाहते हैं, एजुकेशन, गेमिंग, इंटरटेनमेंट, फिल्म एंड एनिमेशन, म्यूजिक, हाउ टू स्टाइल, ब्लॉग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारे यहाँ से कैटेगरी मिलता है, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे इंटरटेनमेंट करता हूँ, उसके बाद यहाँ से सैंपल सा सेव कर देना। उसके बाद हो जाता है आपका काम यहाँ से फिनिशिंग, जैसे कि यहाँ पे आपका देख सकते हैं फिनिशिंग हो जाएगा, फिनिशिंग हो गया आपका यहाँ से सैंपल सा आपका फिनिशिंग हो गया। या आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ से बन चुका है, पूरा फाइनली बन सकता है, आप इस पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब आता है आपका यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेगा। सब्सक्राइबर बढ़ाने का मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे आपका यूट्यूब चैनल पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होगा। तो आपको यहाँ पे आना होगा, आपको टेलीग्राम पे आना होगा। यहाँ से टेलीग्राम ऐप को यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे सर्च बार में आना है। उसके बाद यहाँ पे 1K सब सब्सक्राइबर यहाँ पे देख सकते हैं, 1K सब्सक्राइबर ग्रुप ऑल, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप लोग ये एक ग्रुप में आप लोग ज्वाइनिंग हो जाइएगा। जैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग होंगे तो यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग टिप्स मिलेगा जिससे आपका यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट होगा लिंक के द्वारा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई बहन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है वीडियोज़ बनाने में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।